इंट्रोडक्शन का बेसिक। ठीक है, सो नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, तो एक्चुअली इंसान में दो सेक्स होता है, एक मेल सेक्स होता है और दूसरा होता है फीमेल सेक्स। अब सेक्स बोले तो इट इज नॉट अ रिलेशन, सो सेक्स मीन्स इट्स नॉट अ रिलेशन। सेक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल्स मेल्स में सॉरी इंसान में दो प्रकार का है, एक होता है मेल सेक्स और दूसरा होता है फीमेल सेक्स। क्लियर? अब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत सारे ऑर्गन्स कॉमन है, ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, हार्ट दोनों में प्रेजेंट है, लंग्स दोनों में प्रेजेंट है, किडनीज दोनों में प्रेजेंट है, लीवर दोनों में प्रेजेंट है। तो दोनों के दोनों इंडिविजुअल में सभी ऑर्गन सेम है और सभी ऑर्गन का अपना अपना काम है। हार्ट का काम पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्रेन का काम टू कंट्रोल द वेरियस ऑर्गन, लीवर का काम ब्रेन डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है और वेस्ट मटेरियल बनाने के भी काम आता है। किडनी का मेन काम क्या है? वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालना। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है सभी ऑर्गन का कोई ना कोई अपना वर्क है, और दोनों में सेम वर्क है। मेल में फीमेल में ब्रेन का काम सेम है, मेल फीमेल में हार्ट का काम सेम है, मेल फीमेल में लंग्स का काम सेम है, मेल फीमेल में किडनी का काम सेम है, मेल फीमेल में लीवर का काम सेम है। उसी प्रकार से मेल एंड फीमेल में एक और ऑर्गन होता है और इस ऑर्गन का नाम है गोनैड्स। तो जैसा हार्ट जैसा ब्रेन जैसा किडनी जैसा लीवर वैसा गोनैड्स, बराबर? ये लास्ट ईयर का मैं आपको बता। तो जैसा बॉडी में सभी ऑर्गन है वैसा ये ऑर्गन भी मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट। फर्क इतना है कि मेल गोनैड्स आर कॉल्ड एज टेस्टिस एंड फीमेल गोनैड्स are called as ovaries. Organ, बराबर? और कोई भी organ का अपना अपना function है। Heart का काम pumping of blood है, kidney का काम वो filter करना waste material को body के बाहर निकालना है, बराबर? Digestive system का काम है digest करना, वैसे ही gonad का काम है gametes बनाना, बराबर? और ये gamete reproduction में काम आएगा, बराबर? तो गैमेट बनते कैसे है, इंडिविजुअलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेल गोनैड टेस्टिस में सेल्स है, फीमेल गोनैड ओवरी में भी सेल्स है, क्योंकि बॉडी का हर एक ऑर्गन किससे बना है, सेल से बना है, चाहे हार्ट हो चाहे ब्रेन हो चाहे लंग्स हो चाहे लीवर हो, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसी प्रकार से ओवरी एंड टेस्टिस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वॉर सेल्स, बराबर? फर्क इतना है कि गोनैड के जो स्पेसिफिक सेल्स है उन स्पेसिफिक सेल का नाम है जर्म सेल। हार्ट में स्पेसिफिक सेल का नाम है मसल सेल, ब्रेन में स्पेसिफिक सेल का नाम है न्यूरॉन। उसी प्रकार से गोनैड में भी स्पेसिफिक सेल होता है जिसका नाम है जर्म सेल। हार्ट में स्पेसिफिक सेल मसल, उसी की वजह से उसका फंक्शनिंग, ब्रेन में स्पेसिफिक सेल नर्व सेल न्यूरॉन, उसी की वजह से उसका फंक्शनिंग, गोनैड्स में स्पेसिफिक सेल जर्म सेल, उसी की वजह से उसका फंक्शनिंग। और गोनैड का फंक्शन क्या है, गैमेट बनाना। तो चाहे वो मेल गोनैड हो चाहे वो फीमेल गोनैड हो, इनमें जो जर्म सेल होती है ये होता है जर्म सेल। क्लियर? सो गोनैड इज एन ऑर्गन एंड गोनैड के अंदर जो स्पेशल सेल्स होती है दो स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज जर्म सेल। बॉडी का कोई भी सेल
बॉडी का कोई भी सेल निकालो, हेयर सेल निकालो, स्किन सेल निकालो, हार्ट सेल निकालो, एनी सेल इज हैविंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इंसान के बॉडी के सेल में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है, और वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। क्लियर? सो इंसान के बॉडी के हर एक सेल में, पूरे के करोड़ों सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स आते हैं, एंड सभी सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम, इवन नंबर है। एंड द क्रोमोसोम दे अकर्स इन पेयर्ड फॉर्म। क्रोमोसोम किस फॉर्म में होते हैं? पेयर फॉर्म में होते हैं। करके 46 भले ही टोटल होगा, लेकिन जब पेयरिंग बनेगा तो कितने बनेंगे? 23 पेयर्स बनेंगे। बराबर? इसमें से दो प्रकार के हैं, दो लेवल के बताता हूं मैं। 46 में से 44 क्रोमोसोम क्या है? ऑटोसोम है, और जस्ट 2 क्रोमोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। लास्ट ईयर पढ़े थे आपने, ठीक है? तो यहां पे एक सेल में 44 क्या है? ऑटोसोम है, और 2 क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। अब 44 जो है, ये 44 मेल में और फीमेल में सेम है। जो 44 नंबर है वो मेल एंड फीमेल में क्या है? सेम है। लेकिन ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है मेल में क्या है? XY है, और फीमेल में क्या है? XX। ये वेरिएशन है। क्लियर? अब खास बात क्या है, अपने बॉडी में सेल का डिवीजन 2 प्रकार का है। एक सेल अगर डिवाइड होता है तो 2 सेल बने, कितने? 2 सेल। जो सेल डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरेंट सेल, और जो नए सेल बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज डॉटर सेल। जो सेल डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरेंट सेल, और जो नए सेल बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज डॉटर सेल। पैरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46, और डॉटर में भी 46 आया। मतलब डॉटर सेल पैरेंट सेल का ज़ेरॉक्स कॉपी है, मतलब क्रोमोसोम नंबर जितने का उतना इक्वल मेंटेन हुआ। दैट सच टाइप ऑफ डिवीजन आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, माइटोसिस। बराबर? और दूसरे प्रकार का डिवीजन, एक सेल है पैरेंट सेल, इसमें कितने क्रोमोसोम है? 46 है। जब ये सेल डिवाइड होगा तो ये भी 2 सेल जरूर बनाएगा, और दोनों के दोनों सेल में 23 आया। मतलब जो क्रोमोसोम टोटल है उसके आधे आधे हुए, मतलब क्रोमोसोम नंबर यहां पे क्या हुआ? एग्जैक्टली हाफ हुआ। मतलब यहां पे क्रोमोसोम नंबर डिवीजन के दौरान रिड्यूस हुआ। इसको लास्ट ईयर आपने पढ़े थे, रिडक्शन डिवीजन। एंड रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड एज मियोसिस। बट यहां पे साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है? जब हमने बोला यहां पे क्रोमोसोम क्या है? पेयर है। मतलब यहां पे कितने पेयर्स है? 23 पेयर्स है। फर्क इतना है कि यहां पे जो पेयर क्रोमोसोम है वो पेयर का पेयर आता है। मीन्स ड्यूरिंग माइटोसिस व्हाट हैपेंस? द पेयर क्रोमोसोम रिमेन्स पेयर। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? द पेयर क्रोमोसोम बिकम्स अनपेयर। एग्री? अब जब पेयर है मतलब एक साथ एक जोड़ी में कितने हैं? 2। जब पेयर क्रोमोसोम होता है तब उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। तो एक पेयर में कितने क्रोमोसोम है? 2। तो इसलिए उसको बोलते हैं 2n। तो माइटोसिस के दौरान डिप्लॉइड का डिप्लॉइड है, मतलब 2n का 2n है। लेकिन मियोसिस के दौरान जो 2n का, मतलब हर एक सेल में कितने थे? 2, या हर एक सेल में कितना हो गया? 1, क्योंकि 2 देखो क्या हो गए? अलग हो गए। तो यहां पे कितना मिला? n।
तो हर एक सेट में कितना है वन, इसलिए उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? क्रियन। तो मियोसिस के दौरान क्या होता है? डिप्लॉइड का हैप्लॉइड होगा। माइटोसिस के दौरान क्या होगा? डिप्लॉइड का डिप्लॉइड रहेगा। और पूरे बॉडी में एक ही सेल मियोसिस में जा सकता है और उस सेल का नाम है जर्म सेल। ठीक। तो पूरे शरीर में द ओनली सेल विच कैन अंडरगो मियोसिस इज व्हाट? जर्म सेल। तो पूरे शरीर में एक ही सेल है जो मियोसिस में जा सकता है, उसका नाम है जर्म सेल। और बाकी के बॉडी के सभी सेल किसमें जाएंगे? माइटोसिस में जाएगा। मतलब हार्ट में जर्म सेल रहेगा? नहीं। ब्रेन में जर्म सेल रहेगा? नहीं। लीवर में जर्म सेल रहेगा? नहीं। किडनी में जर्म सेल रहेगा? नहीं। आंख में जर्म सेल रहेगा? नहीं। सिर्फ किसमें जर्म सेल है? गोनाइड्स में। मतलब अकेला गोनाइड्स के अंदर में मियोसिस होगा, बाकी बॉडी में कहीं पे भी मियोसिस नहीं होगा। बराबर। और ये जो हैप्लॉइड सेल्स है इसको बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। और क्रोमोसोम जब पेयर फॉर्म में रहेंगे, क्रोमोसोम किस फॉर्म में है? पेयर फॉर्म में। और क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में है, सो क्रोमोसोम किस फॉर्म में है? पेयर फॉर्म में। तो क्रोमोसोम के जीन्स किस फॉर्म में है? पेयर फॉर्म में। और ये जीन क्या डिफाइन करते हैं? बॉडी के कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। क्लियर। सो क्रोमोसोम आकर सिर्फ पेयर फॉर्म, so genes also occurs in pair form and pair gene defines body character। मतलब अपने शरीर में जितने भी क्रोमोसोम है सभी के सभी क्रोमोसोम किस फॉर्म में है? पेयर फॉर्म में। तो उसके जीन भी किस फॉर्म में है? पेयर फॉर्म में। इसका मतलब अपने शरीर में जीन डिफाइन नहीं करता है कैरेक्टर। कौन डिफाइन करता है कैरेक्टर? पेयर जीन डिफाइन करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में है तो जीन भी पेयर फॉर्म में है, और जब तक जीन पेयर फॉर्म में है तब तक ही क्या होगा? बॉडी में कैरेक्टर डिफाइन होंगे। मतलब अपने शरीर के कैरेक्टर कौन डिफाइन कर रहा है? पेयर जीन। जीन में डिफाइन करता है, कौन करता है? पेयर जीन। मतलब जीन जोड़ी में रहेगा तो ही कैरेक्टर दिखा पाएगा। अगर गलती से जीन का जोड़ी अलग हो गया तो सिंगल जीन कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकता है। वही हाल जाते हैं। तो माइटोसिस के दौरान जो नए सेल मिले क्या वो कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं? यस। कारण माइटोसिस के दौरान पेयर क्रोमोसोम पेयर रहेंगे करके जीन्स भी पेयर रहेंगे करके जीन्स कैन डिफाइन कैरेक्टर। लेकिन मियोसिस के दौरान क्या हो रहा है? पेयर क्रोमोसोम बिकम्स अनपेयर, तो जीन भी अनपेयर। अनपेयर जीन कैन नॉट डिफाइन कैरेक्टर। मतलब गैमेट्स में जो जीन रहेंगे वो कैरेक्टर दिखा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर वापस जोड़ी हो गया तो कैरेक्टर दिखा सकता है। भाई उसको कैरेक्टर दिखाने के लिए क्या चाहिए? पेयरिंग चाहिए। फिर वो अनपेयर हुआ, वापस पेयर होगा तो कैरेक्टर डिफाइन करेगा। जब पेयर था तो कैरेक्टर डिफाइन किया, अनपेयर होगा तो कैरेक्टर डिफाइन नहीं करेगा। मतलब क्रोमोसोम कैसे है? पेयर फॉर्म में। तो जीन कैसा है? पेयर फॉर्म में। तो कैरेक्टर डिफाइन होगा? यस। अनपेयर हुआ तो जीन भी क्या हुआ? अनपेयर। अब अनपेयर जीन कैरेक्टर दिखा सकता है? नहीं। लेकिन अगर वापस पेयर हो गया तो जीन भी पेयर हो गया, कैरेक्टर डिफाइन कर सकता है? यस। कहने का मतलब यह है कि जीन जब तक पेयर फॉर्म में रहेगा तब तक ही कैरेक्टर दिखाएगा, और अगर जीन अनपेयर होगा तो कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकेगा। वही लॉजिक यहां पे आ गया। तो यहां पे पेरेंट्स है, मेल मतलब फादर, बराबर। फीमेल मतलब मदर। ओके। फादर मेल है, मेल गोनाड टेस्टिस। मदर फीमेल है, फीमेल गोनाड ओवर, बराबर। तो गोनाड्स के अंदर में क्या है? जर्म सेल। अब इस जर्म सेल में क्रोमोसोम तो पेयर फॉर्म में है, तो सेक्स क्रोमोसोम भी किस फॉर्म में रहेंगे? पेयर फॉर्म में ही रहेंगे। तो यहां पे सेक्स क्रोमोसोम में क्या है? एक्स वाई।
या फिर पेयर क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स एक्स है, कैरेक्टर डिफाइन कर सकता कि नहीं कर सकता, कर सकता है कारण क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में है तो जी पेयर फॉर्म में है, कैरेक्टर डिफाइन कर सकता कि नहीं कर सकता है, कर सकता है कारण क्रोमोसोम पेयर है तो जीन भी पेयर है। जर्म सेल किसमें गया है, मियोसिस में, चलो इसको मियोसिस करके देखते हैं, तो जर्म सेल का क्या होगा मियोसिस, जर्म सेल का क्या होगा मियोसिस, ठीक, तो जर्म सेल का यहां पे क्या हुआ मियोसिस हुआ, हो गया मियोसिस, तो कितने सेल मिलेंगे, दो सेल, क्रोमोसोम पेयर है क्या हो जाएंगे अनपेयर, तो एक सेल में क्या आएगा एक्स, दूसरे सेल में क्या आया वाई, पहले एक्स एंड वाई क्या थे साथ में थे, पेयर था, जीन पेयर कैरेक्टर डिफाइन कर सकता था, अब एक्स एंड वाई साथ में है कि अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, अब एक्स अलग हो गया वाई अलग हो गया, मतलब एक्स के जीन कैरेक्टर दिखा सकते हैं क्या, नहीं, वाई के जीन कैरेक्टर दिखा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जोड़ी टूट चुकी है, पेयर अनपेयर हो चुका है, अब ये एक्स अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा, वाई भी कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा, उसी प्रकार से जब यहां पे सेल डिवाइड होकर जब दो सेल बनेंगे तो एक्स एक्स मिला, बराबर, ये सेल के क्रोमोसोम के जीन्स कैरेक्टर डिफाइन कर सकते कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्रोमोसोम अनपेयर हो गया तो जीन भी अनपेयर हो गया, एंड अनपेयर जीन कैनॉट डिफाइन कैरेक्टर, हाँ लेकिन एक और चीज बताए, कैरेक्टर तब डिफाइन कर पाएगा जब वापस से पेयरिंग हो जाएगा, और वही होगा ना यहां पर, वापस से पेयरिंग होगा लेकिन आगे जाके होगा, कैसे होगा वही होगा, अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स है, दीज आर कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स ये क्या है, हैप्लॉइड सेल्स है, एंड हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज गैमेट्स, हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज गैमेट्स, तो जर्म सेल से क्या बना, गैमेट्स बना, कोई भी चीज बनना इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन, लेकिन टेक्निकल भाषा में जनरेट करना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जनरेट करना, तो कोई भी चीज जब जनरेट होती है देन दैट इज कॉल्ड एज जेनेसिस, कोई भी चीज जनरेट हुआ तो क्या बोलेंगे, जेनेसिस, किस चीज का जेनेसिस हुआ, वेरी गुड, किस चीज का जेनेसिस हुआ, गैमेट्स का, करके उसका नाम पड़ा गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज स्पर्म्स, फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज बराबर, तो यहां पे जेनेसिस किसका हुआ, स्पर्म का, जेनेसिस किसका हुआ, ओवा का, तो स्पर्म का भी जेनेसिस हुआ, ओवा का भी जेनेसिस हुआ, स्पर्म का भी जेनेसिस हुआ, ओवा का भी जेनेसिस हुआ, स्पर्म का जेनेसिस, स्पर्म का जेनेसिस, स्पर्म मैटो जेनेसिस, ओवा का जेनेसिस, जेनेसिस, बराबर, तो एक डिप्लॉइड सेल, जर्म सेल जब मियोसिस में जाएगा तो गैमेट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, एज द गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमेट्स आर स्पर्म, फीमेल गैमेट्स आर ओवा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवा ओजेनेसिस, मतलब गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार के होता है, ओवा किसके बना, मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में, मदर में, स्पर्म किसके बॉडी में बना, मेल बॉडी में बना कि फीमेल के बॉडी में बना, मेल बॉडी मतलब फादर के बॉडी में, बराबर, फिर उसके बाद एक आउटलाइन अपन ने पढ़े थे, उस आउटलाइन में मदर का बॉडी जहां पे बेबी 9 मंथ्स के लिए डेवलप होता है, सो मदर का बॉडी जहां पे बेबी
9 मंथ्स के लिए डेवलप होता है, 9 महीने के लिए डेवलप होता है, उस ऑर्गन का नाम यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस, मदर का शरीर। सो मदर का बॉडी जहां पे बच्चा 9 महीने के लिए डेवलप होता है, उस ऑर्गन का नाम क्या है? यूटेरस। इसी यूटेरस के नीचे एक ट्रायंगल शेप का ऑर्गन होता है जिसमें से बच्चा बाहर निकलता है पूरा बनने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज वजाइना। क्या बोलते हैं? वजाइना। बच्चा पूरा बन गया, पैदा होने को बायोलॉजी में बोलते हैं पार्चुरीशन, सिंपल भाषा में बोलते हैं बर्थ ऑफ द बेबी। सो बर्थ इस पैसेज से हुआ, इस कैनाल से हुआ, इसलिए वजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। और इसी वजाइना के नीचे स्किन के 2 फोल्ड्स हैं और इसको नाम दिया है वुल्वा। क्या नाम है? वुल्वा। तो मदर का बॉडी जहां पे बीच में 3 ऑर्गन्स है, पहला ऑर्गन यूटेरस जिसमें बेबी 9 मंथ्स के लिए डेवलप होता है 9 महीने के लिए, उसी के नीचे दूसरा ऑर्गन है वजाइना, पूरा बच्चा बनने के बाद बॉडी के बाहर निकलता है बर्थ होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा बर्थ कैनाल। और एक होता है इसी यूटेरस के आजू बाजू में 2 ऑर्गन्स और है, यही वाला यूटेरस के दोनों साइड में ऑर्गन है और इस ऑर्गन का नाम है ओवरी। बराबर? क्या नाम है? ओवरी। और यही ओवरी ने क्या बनाया बताओ? ओवा है ना, तो ओवरी ने क्या बनाया? ओवा बनाया। और ओवा में क्या है? एक्स है कि वाई है कि एक्स वाई है? सिर्फ एक्स है, वाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वाई मदर के बॉडी में होता ही नहीं है। बराबर? सो ओवरी के अंदर क्या बना? ओवा बना। अब ओवरी और यूटेरस के बीच में एक छोटा सा ट्यूब होता है, ओवरी और यूटेरस के बीच में छोटा सा ट्यूब है, और इस छोटे से ट्यूब को क्या बोलेंगे? डक्ट। बराबर? छोटा सा ट्यूब बॉडी में कहीं भी ले लो, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, बॉडी में कहीं पे भी छोटा सा ट्यूब रहेगा दैट इज कॉल्ड एज डक्ट। और इस डक्ट में क्या आने वाला है? ओवा। इसीलिए इसका नाम पड़ा ओविडक्ट। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा? फैलोपियन ट्यूब भी आएगा। ये तो एक आउटलाइन है। बराबर? तो सीक्वेंस में क्या क्या हुआ? यूटेरस जहां पर बच्चा 9 महीने के डेवलप होता है, बच्चा बनने के बाद पास होता है किसमें से? वजाइना में से, वुल्वा से बाहर। जहां पे ओवा बनता है वो ऑर्गन का नाम इसको ओवरी, ओवरी में का ओवा जिस डक्ट में आता है उसको बोलते हैं ओविडक्ट, और ओविडक्ट ओवरी और यूटेरस के बीच में है। बराबर? अब फाइनली बना हुआ ओवा किसमें आ चुका है? ओविडक्ट में आ गया, जिसमें क्या है? एक्स है। बराबर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फादर का और मदर का एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आया। सो फादर एंड मदर के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉप्यूलेशन। जो मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आती है उसको क्या बोलते हैं? कॉप्यूलेशन। द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड मदर और द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड एज कॉप्यूलेशन। और कई शब्द है, क्वाइटस वर्ड भी है, इंटरकोर्स वर्ड भी है। बराबर? अभी सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से फादर का स्पर्म मदर के बॉडी में डिपॉजिट हो गया, ये हो गया डिपॉजिट। अब ये स्पर्म या तो एक्स भी हो सकता है या तो ये स्पर्म क्या हो सकता है? वाई भी हो सकता है।
दोनों का नहीं हो सकता ना, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, मानते हो। अब फादर का जो स्पर्म होगा यहां पे क्या हुआ, जमा हुआ। अब ये स्पर्म स्विम करते 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 आगे जाएगा, भाई स्विम करेगा, भाई हमको भी स्विम करना, मुझे तैरना है, तो क्या मैं हवा में तैरूंगा क्या, जमीन पे तैरूंगा क्या? बायोलॉजिकली स्विमिंग के लिए सॉलिड लिक्विड गैस कौन सा मीडिया चाहिए, लिक्विड मीडिया चाहिए। किसी को भी तैरने के लिए क्या चाहिए, लिक्विड मीडिया चाहिए। तो स्पर्म भी तैर रहा है, इसका मतलब स्पर्म को तैरने के लिए क्या चाहिए, लिक्विड मीडिया चाहिए। मतलब फादर का शरीर अकेला स्पर्म नहीं बनाता है, स्पर्म के लिए एक लिक्विड मीडिया भी तैयार करता है, और इस लिक्विड मीडिया का नाम है सीमेन। क्या नाम है, सीमेन। मतलब फादर के शरीर में सिर्फ स्पर्म नहीं बनाया, क्योंकि बना हुआ स्पर्म स्विम कैसे करेगा, तो फादर के शरीर में स्पर्म तो बनाया जरूर, लेकिन साथ में क्या बनाया, सीमेन, ताकि स्पर्म स्विम कर सके। तो फादर का शरीर दो चीज बनाएगा, एक स्पर्म भी बनाएगा और साथ में सीमेन भी बनाएगा। सीमेन दो पर्पस सॉल्व करता है, एक स्विमिंग के लिए मीडिया देता है और दूसरा नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, उसको फूड भी प्रोवाइड करता है, फ्रुक्टोज डेक्सट्रोज भी प्रोवाइड करता है। ओके, अब तैरने के कुछ तो चाहिए, जैसा उड़ने के लिए पंख चाहिए, फिश को तैरने के लिए फिंस चाहिए, भाई तैरने के लिए कुछ ना कुछ तो पार्ट चाहिए, मुझे अगर चलना है भाई पैर तो चाहिए, इसको बोलते हैं लोकोमोटरी पार्ट्स। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के कुछ तो पार्ट्स चाहिए, सेम वे स्पर्म को स्विम करने के लिए पेज, मतलब स्पर्म एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है करके स्पर्म को नाम दिया गया है मोटाई। क्या बोलते हैं, मोटाई, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज मोटाई, और जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता है ओवा, इसको बोलते हैं नॉन मोटाई। क्या बोलते हैं, नॉन मोटाई, जो मूव हो सकता है वो मोटाई, जो मूव नहीं हो सकता है वो नॉन मोटाई, इसलिए ओवा के पास पेई नहीं। बराबर, क्लियर कंसेप्ट। अब स्पर्म जा सकता है, अब ये स्पर्म स्विम करते 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 कहां तक पहुंचेगा, ओवा तक, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि एक्स वाला फ्यूज होगा कि वाई वाला फ्यूज होगा, होने दो ना, इट्स बाय चांस, एक्स वाला भी फ्यूज हो सकता है, वाई वाला भी फ्यूज हो सकता है। बराबर, तो यहां पर स्पर्म आ गया, सपोज स्पर्म में क्या है, वाई, तो जब स्पर्म में ओवा फ्यूज होगा तो स्पर्म अपना वाई ओवा के अंदर छोड़ देगा, जिसकी वजह से अब ओवा के अंदर एक्स भी आ गया, नहीं एक्स आया नहीं, बोलेंगे एक्स तो पहले से था, बराबर, इसके अंदर क्या है, पहले से एक्स, और अभी क्या आया, वाई आया। मतलब पहले एक्स क्या था, अकेला, वाई क्या था, अकेला, पेयर था कि अनपेयर था, अनपेयर था, अब क्या हो गया, पेयर हो गया। मतलब यहां पे एक्स कैरेक्टर दिखा सकता था क्या, नहीं, यहां पे वाई कैरेक्टर दिखा सकता था क्या, नहीं, यहां पे दिखा सकता था क्योंकि यहां पे पेयर था, यहां पे अनपेयर, कैरेक्टर दिखा सकता है क्या, नहीं, लेकिन अब यहां पे कैरेक्टर दिखा सकता है क्या, यस, क्योंकि जोड़ी वापस से तैयार हो चुकी है। तो यहां पे स्पर्म एंड ओवा क्या हुआ, फ्यूज हुआ, एक नया ओवा बना, और इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवा होता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड ओवा, और ये ओवा कौन सा है, अनफर्टिलाइज्ड ओवा, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और इसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एंड द फर्टिलाइज्ड ओवा इज कॉल्ड एज जाइगोट। मतलब ओविडक के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फिर आप बोलोगे कि सर वाई वाला स्पर्म फ्यूज हुआ तो एक्स वाई बना, और अगर एक्स वाला स्पर्म फ्यूज हुआ तो एक्स एक्स बनेगा। ये तो लास्ट ईयर था आप लोगों को, बराबर, तो लास्ट ईयर क्या था आप लोगों को, कि अगर एक्स वाला स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज हुआ, विच एक्स बोलने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ओवा में एक्स ही होता है। तो अंदर में क्या मिला आपको, एक्स एक्स। सेम स्पर्म अगर दूसरे ओवा के साथ फ्यूज हुआ तो आपको क्या मिला यहां पे, अगेन एक्स एक्स। अगर सपोज वाई वाला स्पर्म अगर ओवा के साथ फ्यूज होता है तो क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई। सेम वाई वाला स्पर्म अगर ओवा के साथ फ्यूज हुआ तो क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई। चांस है नहीं है, मिलेगा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ फ्यूज हो रहा है, बराबर। तो आपको अगर एक्स एक्स वाला साइटोट मिला तो ये बनाएगा फीमेल बेबी, फीमेल बेबी, ये बनाएगा मेल बेबी, ये बनाएगा मेल बेबी। तो लास्ट ईयर नाइन्थ में आपको था सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन में यह था कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। तो जिसमें फादर एक्स वाई, मदर एक्स एक्स, मियोसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, एक्स वाई अलग अलग हो गया, गैमेट्स तैयार हो गए, एक्स एक्स अलग अलग हो गया, ओवा तैयार हो गया। जब स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज होगा तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब दो फीमेल बन सकती है और दो मेल बन सकता है। तो रेशियो क्या था लास्ट ईयर पढ़ते, 1:1। खैर ये तो लास्ट ईयर की बात है, अब इस साल आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कारण मेल में अपन ने क्या बोला, स्पर्म बनता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरे पार्ट पढ़ेंगे और उस पूरे पार्ट में अपन ये देखेंगे कि स्पर्म कैसे बनता है और वो बना हुआ स्पर्म कैसे कैसे आगे बढ़ता है। कारण मेल बॉडी में स्पर्म बना लेकिन उस स्पर्म का इस्तेमाल मेल बॉडी में हुआ कि फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में हुआ, तो इसका मतलब मेल बॉडी में स्पर्म बनेगा और निकल के फीमेल के बॉडी में गया। तो बनता कैसे है, निकलता कैसे है और फीमेल के बॉडी में कैसे जाता है, तो इस सिलेबस में टेंथ में आप लोगों को यह देखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गन्स है सीक्वेंस में और वह स्पर्म कैसे बनाता है और आगे कैसे भेजता है। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है ओवरी। अब यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ आपके आउटलाइन है, ओवरी कितने है, टू पेयर। उसका मेन फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा बाय विच प्रोसेस, ओजेनेसिस। उसके बाद सीक्वेंस में कौन सा आता है, ओविडल। ओविडल कितने है, टू, मतलब वो भी क्या है, पेयर। ओविडल किस किस के बीच में है, ओवरी और यूटेरस के बीच में है। ओविडल का मेन काम क्या है, फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद सीक्वेंस में क्या आता है, यूटेरस। कितने है बॉडी में, एक, पेयर के अंदर अनपेयर सिंगल है। उसका मेन फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बच्चे को डेवलप करना टिल 9 मंथ्स। उसके बाद क्या है, वजाइना। वजाइना का मेन रोल क्या है, बच्चे को पास होने देना, मतलब वजाइना इज मेनली अलाउिंग द पैसेज ऑफ बेबी, मतलब बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब वजाइना एक कैनाल है जिसमें से बेबी बर्थ ले रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा बर्थ कैनाल। तो सिंपल शब्दों में चलना है, ओवरी, ओविडल, यूटेरस, वजाइना, वल्वा, बस उनके फंक्शन लिखना है और बॉडी में कितने ऑर्गन्स है, ये तो बात हो गई। फिर उसके बाद आपको यहां पे प्रेगनेंसी का एक छोटा सा आउटलाइन पढ़ना है। कारण फीमेल के बॉडी में एक महीने में, एक समय में, एक ओवरी में सिर्फ एक ही ओवर बनेगा, तो ऐसा क्यों, उसके लिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक कंसेप्ट है, वो भी देखना है, क्लियर। फिर उसके बाद में बच्चा पैदा होना, फिर कभी कभी कपल्स में प्रॉब्लम आती है तो वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं, या उन बच्चों को बॉडी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे बॉडी में डेवलप कर सकते हैं, जैसा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो लेबोरेटरी में स्पर्म एंड ओवा को फ्यूज करते हैं, फिर जैसे ही जायगोट बन गया फिर लाके बॉडी में डाल देते हैं, मतलब कुछ स्टेजेस को बॉडी के बाहर किया और बाद में अपनी बॉडी में डाल के उसको ग्रो करते हैं। तो ये सब कर सकते हैं और थोड़ा डिसीज से रिलेटेड भी रखना है, मतलब रिप्रोडक्टिव। तो इसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है और उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म कैसे बनता है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है,
साथ में सीमेन कैसे बनता है वो भी देखना है। तो सीमेन बनाने के लिए एसेसरी ऑर्गन से वो देखना है, मतलब कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसेसरी ऑर्गन विच फॉर्स सीमेन वो देखना है, फिर उसके बाद में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद यूटेरस के अंदर में थिकनेस बढ़ना क्या होता है, साइकिल पढ़ना है, बच्चे का थोड़ा सा डेवलपमेंट पढ़ेंगे अपन ताकि प्रेगनेंसी का नॉलेज मिल सके, फिर उसके बाद में हस्बैंड एंड वाइफ फादर एंड मदर इनमें अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होगा बीमारियां होगी तो बच्चे ठीक से नहीं बन पा रहे हैं तो उस समय में डॉक्टर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मदर को या वाइफ को या फीमेल को कैसे प्रेगनेंसी करते हैं वो अपने लिए प्रोसेस देखते हैं।